हमारे भाई साहब क्या करो बताओ सब जानते हैं कि लोकसभा चर्चा के लिए होती है और विपक्ष भी अपनी बात को मजबूती के साथ और सरकार की आलोचना के साथ रखता है, पर दुर्भाग्य है कि बजट का महत्वपूर्ण सत्र होने के बाद भी दूसरे सत्र में एक दिन भी लोकसभा का सदन नहीं चला और विपक्ष ने जानबूझकर सदन न चलने के लिए जो काम किया वो सब देशवासी प्रति था। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी संगठनों के साथी लोग इस बात को लेकर अनशन और प्रदर्शन पर बैठे हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था का जिस तरीके से अपमानित करने का काम विपक्ष ने किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात को देश की जनता समझे और समझने की कोशिश करें कि सदन चर्चा के लिए होता है, महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप और उस पर निर्णय के लिए होता है, और उसको न चलाना वास्तव में दुखदायी है और वास्तव में देश की जनता इस बात को समझे कि विपक्ष ने किस प्रकार से अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया और देश को एक सही ढंग से व्यवस्था मिले, एक चर्चा हो और चर्चे में बहुत सारी बातें आएँ और बजट सत्र होने के बाद भी ये बातें न होने के कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इसीलिए यहाँ पर हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है कि देश की जनता इस बात को समझे और आंदोलन करे कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा देश में शासन किया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई थी, संसद देश की समस्या को उठाने का सर्वोच्च मंच है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी अपनी समस्याओं को सदन में रखता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा नहीं करने दी गई, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय था कि प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने शोर शराबा करके उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार 1.5 घंटे तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की, उनका जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश में विकास नहीं चाहती है, कांग्रेस पार्टी सदन को अव्यवस्थित करना चाहती है। हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई। हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारी पार्टी के नेता लगातार कहते रहे कि आप चर्चा कराइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं, चर्चा लगातार, लेकिन उनको केवल सदन को बाधित करना था। देश के करोड़ों गरीबों की कमाई 250 घंटे कांग्रेस ने बर्बाद कर दिए, लोकतंत्र की हत्या कर दी। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया
कि अगर संसद में हम लोग काम नहीं किए हैं तो अपना वेतन और भत्ता भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है सांसद जी की सत्ता में रह के विपक्ष के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। ऐसा तो होता है कि विपक्ष सत्ता के खिलाफ धरना देती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता विपक्ष के खिलाफ धरना। देखिए, इसकी मंशा केवल ये है कि देश के लोग जाने, देश के लोगों के बीच ये चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो घोटालों की पार्टी थी, घोटालों की सरकार थे, लगातार आप जब देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे बिजली घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, यहाँ तक कि जमीन घोटाला, जीजा घोटाला भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दिया गया। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि आज 4 साल के समय में एक भी हमारे केंद्र के मंत्री या सांसद पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के दामन पर कोई दाग नहीं। तब हम लोगों ने ये फैसला किया था, पार्टी ने, हमारे नेताओं ने फैसला किया कि देश के सामने ये विषय जाना चाहिए। हम संसद में चर्चा कराना चाहते हैं, हम संसद में भाग लेना चाहते हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उन्नाव का मामला आया है, क्या इन सब पर भी उपवास या धरना नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये कानून का विषय। हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा SIT बनाई है और SIT की जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा कानून अपना काम करेगा, उसमें कहीं कोई किसी को वादा नहीं।